आज महामायांको महासप्तमी बिल्य वरण पर धरावतरण करिछंती जगतजननी माँ दुर्गा। सेपटे राज्यर प्रमुख देवीपीठ मानक चली महाअष्टमी पूजा परंपरा अनुजाई धरावतरण पर जीवन्यास चक्षुदान कर मंडपे पूजार्चना आरंभ हो। गतकाली बिल्य वरण पर माँ को आह्वान कर सुख समृद्धि और आशीर्वाद नहीं धराधाम को ओह्लै आसी शारदीय दुर्गा पूजा चारिआड़े उत्सव परिवेश देखा मिली। दुई वर्षर करोना कटक हटि बेले ट्विन सिटी भुवनेश्वर कटक वर्ष दुर्गा पूजा नहीं व्यापक प्रस्तुति होई। आज रीतनीति अनुजाई माँ को पूजा अर्चना आरंभ होगाकुले विभिन्न मंडप मानक भक्त श्रद्धालु भिड़ लगे। सेपटे विभिन्न शक्तिपीठ से षोडश उपचार अनुजाई आज माँ महाअष्टमी पूजा अर्चना अनुष्ठित हो। ट्विन सिटी दुर्गा पूजा को नहीं कमिशनरेट पुलिस पक्ष व्यापक व्यवस्था कर पूजार परिवेश केमती रही है बाबदे जानवाई सीधासख भुवनेश्वर और जगत सिंहपुर जावा जगत सिंहपुर सारा पीठ आम प्रतिनिधि तापस दास आम सहित जोड़ी होती रसुलगढ़ पूजा मंडप निकट आम प्रतिनिधि आम सहित चिन्मय जोड़ी होती। प्रथम तापस पाखक जापस आज पीठ मानक महाअष्टमी पूजा हो सका माँ कौन सब नीतिकांति सरला श्रद्धालु भिड़ के जमुची निश्चित भाव चिन्मय देखते बर्तमान आम जगत सिंहपुर जिला जो प्रसिद्ध झंकड़ माँ शाला पीठ से उस्थित हो माँ अष्टमी पूजार्चना चली आम जी कह मूलाष्टमी ठार् आरंभ कर षोह दिन व्यापी आज षोह दिन में पहुंची पूजार्चना जेहतु चलित बर्ष कटक को हटे दि जाए आम जी कह दीर्घ दुई वर्ष हम महामारी थी ये महामारी भितर भक्त भगवान दर्शन हो पार ना यही महामिलन अपूर्व मिलन भक्त मानक आज से सुअ छुटू मोर सहयोगी सतोष आपन को तमाम दृश्य देखा आप देखे पार्थे कि भाव में भक्त मानक गहली लगी लोक मर गहली लगी समस्त मध्य उत्साह रही जेहतु माँ दर्शन करने माँ दर्शन आज हूँ पीठ से माँ अष्टमी पूजार्चना चली यार भितर किसी भक्त अच्छे आम प्रतीक्षा रखापी चेस्टा करवा आज्ञा आपन आज आसते दर्शन करने दर्शन कर सारे हाँ दर्शन कर सारे कौन कहे जेहे चलित बर्ष बहुत खुशी आम लगू जेहेतु तीन चार वर्ष बंद था आम माँ भितर को मानने प्रवेश कर पार नु बाटर भोग कर आज जेहेतु आम आसचु भितर को मैंने बहुत खुशी लगुच आज्ञा निश्चित भाव चिन्मय भक्त मान प्रतिक्रिया शुणुते समस्त मध्य उत्साह रोचे जेहतु से मैंने चलित बर्ष माँ को दर्शन करने सौभाग्य लाभ कर मोर सहयोगी सतोष आप दृश्य देखा आप देखिपे के भाव में भक्त मानक गहली रही भोग कर जो माँ को जो रीतिकांति रही ठीक समय निर्दिष्ट समय मध्य रीतिकांत पूजार्चना करे सब बड़ कथ गुरुत्वपूर्ण कथ हूँ जेहतु प्रशासन पक्ष चलित सारा पीठ से जो बर्तमान चूड़ा घोषा चली कारण आज अष्टमी रे माँ ये भोगर मध्य किसी अन्य गोटे परंपरा रही जो मैंने भोग करुँचार जाणवा जे वास्तविक कहीं चूड़ा घोषा कराए अष्टमी दिन में केवल सारा पीठ से निश्चित भाव निर्मी सीधा सड़क भाव प्रतिक्रिया रखा आलोचना कर तबे तापस आम सहित सारा पीठ से जोड़ी होते पूरा दृश्य देखाऊ आज जेहेतु पीठ मानक महाअष्टमी चली सेठे भक्त मानक प्रबल मात्र भिड़ देखा मिलूला। बर्तमान चिन्मयी निकट को जी भुवनेश्वर रसुलगढ़ पूजा मंडपुर आम सहित जोड़ी होती चिन्मयी आज मंडपे माँ महासप्तमी पूजा अनुष्ठित हो बर्तमान सुधा मंडपे केमती पूरा परेश रही पूजार्चना नीतिकांति कौन सब सर बर्तमान सुधा निहाती भाव में चिन्मयी आज महासप्तमी माँ महामाई महासप्तमी पूजा जदि कह मंडपर सप्तमी पूजा चली जो पीठ रही महाअष्टमी पूजा चली रसुलगढ़ पूजा मंडपर अच्छे मुझे सीधाफल दृश्य देखा चाहिए। दीर्घ दुई वर्ष पर करोनार दुई वर्ष पर पूरा भुवनेश्वर से धूमधाम पालन करहामाई महासप्तमी पूजा गत काली बिल्यवरण होता और आज जहाँ रसुलगढ़ पूजा मंडपर जहाँ नीति नियम रही बारटा बेले माँ को चक्षुदान दिजा माँ को पूजा अर्चना मंडपुर आमर जे अच्छा पूजा मंडपुर जे सदस्य अच्छा आम सीधे फल सहित आलोचना करवा आज्ञा के कौन सब व्यवस्था करते माँ को पूजा आज्ञा नमस्कार मुझे संजय जगदेव रसुलगढ़ दुर्गा पूजार कर्ता आमर कालीर कार्यक्रम षष्ठी पूजा कार्यक्रम सरी जाइए बेलवरणी कार्यक्रम आज आम बर्तमान अच्छी पाणी तोला कार्यक्रम जल पाणी तोला कार्यक्रम अच्छी
ତାପରେ ପାଣି ତୋଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତାପରେ ଚକ୍ଷୁଦାନ କଲା ହେବ, ଯେ ନୀତି ନିୟମରେ କାଲି ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତାପରେ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ କୋଭିଡ କଟକଣା ଥିଲା, ସେମିତି ଧୁମଧାମରେ ନଥିଲା, 10 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ନିୟମ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଥିମ୍ ରହିଛି, କେତେ ବର୍ଷର ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଥିମ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ତ ଏଇଟା 30 ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ 30 ବର୍ଷରେ 30 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖିକି ଆସୁଛୁ। ଏ ବର୍ଷ ଆମର ରହିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍ପେଶାଲ ଦିଲ୍ଲୀର ଅକ୍ଷୟଧାମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଅକ୍ଷୟଧାମ ଯେମିତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଡିଟୋ କପି କରାହେଇକି ଏଇଟା କରାହେଉଛି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁତ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ, ତେଣୁ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ଦଶମୀ ନିହାତି ଭାବରେ। ଚିନ୍ମୟ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି, ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଅକ୍ଷୟଧାମ ରହିଛି ତାକୁ ଥିମ୍ କରିକି ରସୁଲଗଡ଼ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡାଲ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ବା ଯେଉଁ ତୋରଣ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେଥିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କାଠି ସୋଲର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ କେତେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିଲେ, ସବୁକିଛି କଟକଣା ଭିତରେ ଥିଲା, ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା, ଆଜିଠାରୁ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡପରେ ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନର ସୁବିଧା ନେଇପାରିବେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମ ସହିତ ନନା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କି କିଭଳି ପୂଜା ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ସବୁ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ? ଆଜି ମହାସପ୍ତମୀ, ଆଜି 9:15-20 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ଜଳଯାତ୍ରା ନବପତ୍ରିକା ସ୍ଥାନ କରାଯିବ, ଆସିଲା ପରେ ସେଠୁ ନବପତ୍ରିକାକୁ ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦେବୀଙ୍କର ଚକ୍ଷୁଦାନ ପ୍ରାଣବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପ୍ରାଣବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଏବଂ ଭଗବତୀଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜାର ପୂଜା, ଗଣେଶ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା, ରାଧିକା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା, ମହିଷାସୁର ସିଂହର ପୂଜା ହେବ, ମଣ୍ଡଳଜିତ ପୂଜା, ଯୋଗ୍ନୀ ପୂଜା, ଅସ୍ତ୍ର ପୂଜା ଏଗୁଡ଼ା କରାଯାଇ ଗ୍ରହ ପୂଜା ଆଦି କରାଯାଇ ଦେବୀଙ୍କ ମଣ୍ଡପମାନଙ୍କରେ ମାଆଙ୍କର ମହାସପ୍ତମୀ ଏବଂ ପୀଠମାନଙ୍କରେ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଭକ୍ତଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିବା ସହିତ ପୂଜାର ମାହୋଲ କିଛି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ରହିଛି, କାରଣ 2 ବର୍ଷ ପରେ କଟକଣା ହଟିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ମୟ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତାପସକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ, ଜଗତସିଂହପୁର ସାରଳା ପୀଠରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।